Assalamualaikum students, welcome to my channel and in my new video. As you all know, in previous video I have completed our second chapter of science second, that is life processes in living organism part 1. You all know that this is the part of biology, and in continuation to that, today I am going to start our third chapter of science second, that is life processes in living organisms part 2. जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने जानदारों में हयाती अफाल हिस्से अव्वल को मुकम्मल किया है. आप लोगों ने उन वीडियो को देख लिया होगा और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं उसी का सेकेंड पार्ट लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 या जानदारों में हयाती अफाल हिस्से 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं. उसके फर्स्ट लेक्चर में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं रिप्रोडक्शन यानी अमले तौलीद, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी अमले तौलीद के अकसाम, और उसमें से पहली किस्म यानी असेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, यानी एक कल्वी और कसीर कल्वी हैवानात में गैर जिनसी तौलीद के बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं. तो बच्चों, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसको शुरू करते हैं, सॉरी थर्ड चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं. फर्स्ट, in your previous classes you have studied various life processes. Since class 6 you are studying about nutrition, respiration, excretion, control and coordination, etc. various life processes we have studied. bahut sare hayati afal ke bare mein humne jana, jaise ki taghziya, tanaffus, dauran-e-khoon, istikhraj, हिस पज़ीरी, खाबू और हम आहंगी, जैसे ये तमाम जो अफ़ाल हैं ये जानदारों को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं. ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज़म्स अलाइव, बट द लाइफ प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन, इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग द और सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसिस टू विच दैट ऑर्गेनिज़म्स बिलोंग. यानी हमने जो बाकिया हयाती अफाल के बारे में मालूमात हासिल की है वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, यानी उनके बगैर जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता. उन लाइफ प्रोसेसेस के बगैर जानदारों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है या उसके बगैर. लेकिन आज जो हम अमले तौलीद या तौलीदी अमल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है. अगर किसी जानदार में ये अमल नहीं होता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन उसकी नस्ल को बाकी व बरकरार रखने के लिए तौलीदी अमल माविन साबित होता है, मददगार साबित होता है. सो यू कैन से दैट अ स्पेसिस कैन बी मॉडल बाई दिस प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम स्पेसिस बाई अर्लियर एग्जिस्टिंग पेरेंट ऑर्गेनिज़म्स. यानी जो मौजूदा ऑलरेडी मौजूदा जानदार है उससे एक उसी के नौ का एक नया जानदार. ये देखिए, ये एक अहम पॉइंट है कि एवरी ऑर्गेनिज़म्स कैन प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज़म एग्जैक्टली लुक लाइक इट, यानी जो कि उसी की तरह उसी की स्पेसिस से बिलोंग करता हो. जैसे कि इंसान जो है इंसान को ही पैदा करने की खसूसियत रखता है. जो सेम स्पेसिस जैसे कुत्ते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या उनसे पैदा होने वाले जानदार जो है डॉग्स या कुत्ते ही हो सकते हैं. इसी तरीके से बंदरों की जो औलाद है वो बंदर होगी हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो है जानदारों की ये बहुत ही अहम खसूसियात इसको कहा जाता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इवोल्यूशन ऑफ एवरी स्पेसिस ऑकर ड्यू टू रिप्रोडक्शन, यानी और रिप्रोडक्शन की वजह से ही, तौलीद की वजह से ही जानदारों की एक नौ का इर्तिखा होता है. हमने इर्तिखा के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक जानदार अपने जैसे दूसरा जानदार जब तैयार करता है, जब सेल डिवाइड होता है
इसमें मियोसिस में हमने देखा कि नए जीन्स जो है रिकॉम्बाइन होते हैं, फिर नए जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसकी वजह से जानदारों में नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और उसी की वजह से इवोल्यूशन होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो है तौलीद की दो अहम किस्में हैं, जिंसी अमल तौलीद और गैर जिंसी अमल तौलीद, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन इन विच देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैर जिंसी अमल तौलीद में जवाजों के बगैर एक नौ के जानदार से नया जानदार पैदा होता है। जवाज यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं होते, यूनिपैरेंटल यानी एक ही जानदार से नया जानदार तैयार होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, क्योंकि दो जवाजे है ही नहीं तो यहाँ पर फ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी जो जवाजों के मिलाप के बगैर यहाँ पर नया जानदार तैयार होता है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पैरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये भी समझने वाली बात है कि If there is no involvement of gametes, there will be no fusion of the gametes, there will be no crossing over of the chromosomes will take place. That means there will be no mixing of genes, है ना, या हम जिसको जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन कहते हैं, तो वो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। इसलिए जो नया ऑफस्प्रिंग या नया जानदार पैदा होगा वो हूबहू अपने मॉरिस की तरह, यानी जिससे वो पैदा हुआ है उसी की तरह वो दिखाई देगा। देर विल बी नो डिफरेंस इन द न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म। The offspring produced is exactly similar to the parent organism and it takes place by mitotic cell division. ये जो गैर जिंसी अमल तौलीद है खलियों में मसावी तकसीम यानी माइटोटिक सेल डिवीजन यानी माइटोसिस के जरिए होता है, जिसमें एक जो सेल है वो एग्जैक्टली सेम सेल तैयार करता है उतना ही जेनेटिक मटेरियल पेरेंटल सेल से जो है न्यू सेल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। देर इज़ अ डीमेरिट ऑफ एंड अ मेरिट ऑफ दिस असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट लेट अस सी अबाउट द डीमेरिट ऑफ दैट वन। डीमेरिट ऑफ असेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज द एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से जनीनियाती मिलाप की गैरमौजूदगी होती है, जिसकी वजह से जानदारों में जो है इर्तिखा का कोई जो है पहलू बाकी नहीं रहता। एंड वन मेरिट यानी इसका एक मवाफिक पहलू भी है, यानी जो फ़ायदेमंद पहलू भी है, वो ये है कि इट इज़ वेरी रैपिड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत तेज़ी से होने वाला तौलीदी अमल है, इसमें जो है वक्त नहीं लगता है और इससे बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जानदार तैयार हो सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पर असेक्चुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए इट टेक्स प्लेस इन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, यानी एक कलवी और कसीर कलवी जानदारों में ये भी दोनों में भी ये गैर जिंसी अमल तौलीद अंजाम पाता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देर आर थ्री टाइप्स ऑफ असेक्चुअल रिप्रोडक्शन आर देयर, दैट इज़ बाइनरी फिशन, मल्टीफिन फिशल एंड बर्डिंग। बाइनरी फिशन के तीन जो है तरीके हैं, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल, और मल्टीपल फिशन अमीबा में होता है, बडिंग ईस्ट में होता है, ट्रांसवर्स पैरामेशियम में, लॉन्जिट्यूडिनल यूग्लिना में और सिंपल अमीबा में। और इसके अलावा जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कसीर खलवी हैवानात हैं, उनमें फ्रैगमेंटेशन जिसको हम तजजियाकारी कहते हैं वो स्पॉन्ज, साइकॉन या स्पायरोगायरा में होता है, रीजेनरेशन यानी तजदीदी अमल जो के प्लानेरिया में होता है, बडिंग यानी गुंचाकारी, ये दोनों में भी है यानी यूनिसेल्युलर में भी और मल्टीसेल्युलर में भी, यूनिसेल्युलर में ईस्ट में होता है और मल्टीसेल्युलर में हाइड्रा में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी नबाताती अफजाइश नकल, ये नबातात में होता है, एंड स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोर यानी बजरों का बनना, ये म्यूकर यानी एक किस्म की पौंद में या फंगस में होता है जो कि म्यूकर है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स,
by the formation of two gametes, that is male and female. It has two steps or two processes, that is first is formation of the gamete and second is fertilization. That we will see in the next video, inshallah. So let us start with the asexual reproduction in unicellular and multicellular organisms. That is, there are six types of asexual reproduction, that is fission, yani jisko hum taqseem karna ya tootna kehte hain, taqseem do hi kaha jata hai, binary yani do hisson mein taqseem hona, fragmentation yani tajziya kari, budding yani guncha kari, regeneration yani amale tajdeed, vegetative propagation yani nabatati afzaish nasl, aur spore formation yani bazron ka banna. तो एक सबसे पहले हम एक कलवी जानदारों में यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज बाइनरी फिशन या तकसीम दुई. द पैरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू सिमिलर डॉटर. जैसे आपने माइटोसिस देखा है, सेम उसी तरीके से एक सिंगल यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो सेल है वो माइटोटिक डिवीजन से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. इट ऑकर्स बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस. इट इज़ परफॉर्म्ड यूजुअली ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, यानी साजगार हालत जब होते हैं तब जानदार इस किस्म की तकसीम को अंजाम देते हैं. ये तकसीम जो है तीन तरीक़ों से हो सकती है. एक्सिस कैन बी यानी किसी भी महवर में हो सकती है, सिंपल यानी किसी भी महवर में, ट्रांसवर्स यानी जिसको हम जो है आड़ी कहेंगे या उफ़ी तो कहेंगे, और लॉन्जिट्यूडिनल यानी इसको हम जो है खड़ी तकसीम या उमूदी तकसीम कह सकते हैं. तो एग्जांपल्स किस किस में ये इस किस्म की तकसीम होती है देखिए. सिंपल बाइनरी फिशन या सादा तकसीम दुई बैक्टीरिया के खलियात में और अमीबाज में होती है. अमीबा और बैक्टीरिया परफॉर्म सिंपल जो है बाइनरी फिशन. ट्रांसवर्स यानी जो उमूदी सॉरी जो जो है उफ़ी जिसको हम कहते हैं वो होता है पैरामीशियम में, और लॉन्जिट्यूडिनल यानी उमूदी होती है ऑर्गेनिजम्स लाइक यूगलिना और यूकैरियोटिक सेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी इसी तरीके से तकसीम होते हैं. तो ये तकसीम दुई किस तरीके से होती है देखिए. ये बाइनरी फिशन इन अमीबा, ये सादा तकसीम दुई है, ये अमीबा का सेल है. इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, उसका जो फिक्स शेप नहीं होता है तो वो किसी भी महवर में आड़ा खड़ा कहीं से भी वो तकसीम हो जाता है. पहले सेल डिवीजन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन में, पहले जो है कैरियोकाइनेसिस में सेल डिवाइड होता है, फिर साइटोकाइनोसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड्स होता है इस तरीके से, एंड टू डॉटर न्यूक्लिया एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, डॉटर अमीबास आर फॉर्म्ड. इसको हम सिंपल बाइनरी फिशन कहते हैं. अब यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स हम देखेंगे. ये जो है आप देख रहे हैं इसमें जो न्यूक्लियस से डिवाइड हो रहा है ये खड़ी सतह से इस तरीके से यहाँ पर दो आपको पैरामीशियम अलहदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यूगलिना में भी इसी तरीके से ये यूगलिना है क्लैमेडोमोनास, और यहाँ पर नीचे भी आप देखेंगे यूगलिना यहाँ पर नज़र आ रहा है सिंगल, और ये इस तरीके से लॉन्जिट्यूडिनल तरीके से, और ये ट्रांसवर्स यानी पैरामीशियम में दरमियानी सतह से बीच से जो उसका जो है सेल है वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में. तो यहाँ पर बाइनरी फिशन या तकसीम दुई तीन तरीके की है. सिंपल बाइनरी फिशन विच टेक्स प्लेस इन अमीबा, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम एंड यूगलिना. नाउ सेकेंड टाइप इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल यानी कसीर, कई तादाद में. तो फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया स्टॉप्स मूवमेंट स्टॉप्स, यहाँ पर जो है जो अमीबा में ही होता है, तो अमीबा के जो है अमीबा की शेप मैंने आपको बताया, अमीबा का शेप इरेग्युलर होता है इसे, है ना. तो ये जो अमल होता है इसमें ये अनफेवरेबल कंडीशंस या नासाजगार हालात में होता है. तो इसके ये जो आपको उभार नज़र आ रहे हैं ये लोकोमोशन के लिए यूज़ करता है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं. SEUPOPODIA सूडोपोडिया. तो ये जो पैर या उंगली की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं. तो जब नासाजगार हालात आते हैं तो ये जो अमीबा है
ये अपना सूडोफोडिया क्या करता है, ख़त्म कर लेता है एंड इट बिकम्स राउंड, और ये गोल हो जाता है इस तरीके से। और क्योंकि ये नासाजगार हालात इसके पास आ गए हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए, इसलिए वो अपने अतराफ में एक गिलाफ तैयार कर लेता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग इज़ फॉर्म एंड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज़ कॉल्ड एज सिस्ट। इसको हम कहते हैं सिस्ट, या उर्दू में कहते हैं केसा। क्या कहते हैं? केसा। समझ में बात? तो इसके बाद जब ये इसके अंदर जब ये हिफाजती गिलाफ में होता है, द न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉर मेनी टाइम्स, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एंड इनसाइड द सिस्ट एंड मेनी डॉटर न्यूक्लियाई एंड और सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सिस्ट एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशंस कम, जब जो है साजगार हालात लौट आते हैं, तो जो सिस्ट है इट गेट रप्चर्ड, वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है एंड मेनी डॉटर अमीबुलस आर फॉर्म्ड और they are released from the cyst। तो इस तरीके में क्योंकि बहुत सारे अमीबा तैयार होते हैं, इसलिए इसको हम जो है कसीर तकसीम या मल्टीपल फिशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सूडोफोडिया स्टॉप्स, मूवमेंट उसका जो है स्टॉप हो जाता है, बिकम राउंड, वो गोल हो जाता है एंड कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव सिस्ट, और अपने अतराफ एक गिलाफ तैयार करता है जिसे सिस्ट कहते हैं। इन द सिस्ट रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर्मिंग मेनी न्यूक्लियाई एंड ऑल्सो साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग मेनी अमीबुलाई। बहुत सारे जो है उसका जो न्यूक्लियस है बहुत सारे टाइम जो है डिवाइड होता है, और जिसकी वजह साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और बहुत सारे अमीबुलाए तैयार होते हैं। सिस्ट परसिस्ट इन एडवर्स कंडीशंस, इट ब्रेक्स ओपन आफ्टर फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न बाय रिलीजिंग मेनी अमीबुलाए। और जो है इस तरीके से जब साजगार हालात, जब तक नासाजगार हालात रहते हैं, ये जो महफूज गिलाफ है वो कायम रहता है, और जैसे ही नासाजगार हालात ख़त्म हो जाते हैं, साजगार हालात आते हैं, ये केसा या गिलाफ टूट जाता है और कई नौजायदा अमीबा केसे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद है बडिंग यानी गुंचाकारी या कलियाओ, कली से बड यानी कली और कली से बना है लफ्ज़ कलियाओ, उसको गुंचाकारी भी कहते हैं। टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिविजन्स फॉर्म्ड बाय पेरेंटल सेल, यानी एक खलिये से दो डॉटर सेल्स या दुख्तर खलियात तैयार होते हैं। अपीयरेंस ऑफ स्मॉल बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल, यहाँ पर ईस्ट नज़र आ रहा है, ईस्ट के ये जो ओरिजिनल सेल है, ईस्ट सेल, आप देखेंगे जो इसका न्यूक्लियस है येलोइश कलर का, वो डिवाइड होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, और जिस तरफ वो बढ़ रहा है वहाँ पर एक छोटा सा बड नुमा हिस्सा या कली नुमा हिस्सा, उभार नुमा हिस्सा तैयार हो रहा है। और फिर जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, और जैसे वो एक हद तक बढ़ जाता है, वो जो पेरेंटल सेल से डिटैच होता है, और ऐसे कई चेन बड तैयार होते हैं, और एक ईस्ट के सेल से कई सेल्स तैयार हो सकते हैं या होते हैं। इस अमल को कलियाओ या बडिंग कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ स्मॉल बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल्स, यानी जो बल्ज है वो बड या कली कहलाता है। वन डॉटर न्यूक्लियस एंटर्स द बड, और जो उसका जो कटा हुआ न्यूक्लियस है वो बड के अंदर जाता है। बड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, और जब उसकी मुनासिब नशोनुमा हो जाती है, वो अपने पेरेंटल सेल से अलहदा हो जाता है एंड स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली, और आज़ादाना ईस्ट खलिया दूसरे ईस्ट खलिये की तरह अलहदा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमने तीन तरीक़ों से रिप्रोडक्शन देखा। पहला है फिशन, उसके तीन तरीके हैं, सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल। नेक्स्ट है आप मल्टीपल फिशन यानी कसीर तकसीम, जिसमें एक ही खलिये से नासाजगार हालत में महफूज गिलाफ के अंदर कई सेल्स तैयार हो रहे हैं। और थर्ड है बडिंग, और जिसमें ईस्ट जैसे खलियात में बडिंग या गुंचा तैयार होकर नया जानदर तैयार होता है। नाउ वी विल सी द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कसीर खलवी जानदारों में गैर जिनसी अमले तौलीद किस तरीके से होती है। उसका पहला तरीका है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन को उर्दू में कहते हैं तजज़ियाकारी। ये स्पायरोगायरा यानी जो अलगी या काई होती है उसमें होता है, स्पॉन्जस और साइकॉन
समंदरों में पाए जाने वाले हैवानात हैं उनमें भी इस तरीके से अमल तौलीद होता है। द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, जहाँ पर आपको स्पायरोगायरा के एग्जांपल से मैं समझाऊंगी। स्पायरोगायरा इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर दे आर इन द फ्लोटिंग दे फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज। आपने नदियों पर या पानी जहाँ पर रुका हुआ था उसके ऊपर नीली सब्ज रंग की जो काई है उसको देखा होगा, जब अगर कभी आप उसको हाथ लगाने, वो बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट होता है, बिल्कुल रेशम के धागे की तरह, और इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं कि थोड़े से आपके हाथ लगाने से भी ये उलझ जाते, टूट जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये किसी चट्टान यानी बहते हुए पानी से या किसी जानदार से या किसी चीज़ से टकरा जाते हैं तो इनके कई टुकड़ों में वो तब्दील हो जाते हैं। तो हमारे नज़र में टुकड़े होना या तजज़िया होना या फ्रैगमेंट होने का मतलब है ख़त्म हो जाना, है ना। लेकिन इन जानदारों में ये जब एक्सीडेंटली तकसीम होते हैं या टूटते हैं तो हर टुकड़ा एक नए जानदार में तब्दील हो जाता है। तो उन्हीं उनका रिप्रोडक्शन का तरीका ही ये है। द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ब्रेक अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट लिव्स इंडिपेंडेंटली। हर जो नौजायदा टुकड़ा है वो आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारता है, वो साइज़ में बढ़ता है एंड लिव इंडिपेंडेंटली। स्पायरोगायरा अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन इन फेवरेबल कंडीशंस, उनका टूटना ये साजगार माहौल में होता है। इफ साइकॉन ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली, ये साइकॉन या स्पॉन जैसे जानदार अगर वो टूट जाते हैं ऑफ द और उनका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो फिर से अपने आप को नए बॉडी में डेवलप करता है। साइकॉन का जिस्म अगर हादसाती तौर पर टूट जाए तो हर टुकड़े से नया जानदार या नया साइकॉन तैयार होता है। तो इस तरीके से तजिया कारी के ज़रिए से ये जानदार अमल तौलीद करते हैं। नेक्स्ट है रीजनरेशन, इट इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें जो जानदार होते हैं वो अपने टूटे हुए बॉडी पार्ट से नया जानदार तैयार करते हैं। आप कहेंगे कि पहले फ्रैगमेंटेशन भी यही था, नहीं, ये फ्रैगमेंटेशन अलग है। यहाँ पर जो आपने आपके घरों में जो वॉल लिजर्ड यानी छिपकली होती है, कभी अगर आपने गौर किया होगा या कभी आपने महसूस किया या सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा आपने कि छिपकली की दुम एक बार टूट जाए तो दोबारा वापस आ जाती है, है ना। तो ये रीजनरेशन की वजह से ही होती है। कुछ जानदार होते हैं जिनमें ये रीजनरेट या बास पैदाइश या तजदीदी पैदाइश का तरीका उनमें होता है। द बॉडी इज़ ब्रोकन इनटू टू और मेनी पार्ट्स, ईच पार्ट रीजनरेट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। यानी जानदार का जिस्म अगर दो या ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाए तो हर टूटा हुआ हिस्सा बाकी हिस्से को रीजनरेट कर लेता है। समझ में आ रही बात, यानी सर और धड़ अलग हो गए तो सर जो टूटा हुआ है वो बाकी का धड़ तैयार कर लेगा और धड़ तो टूटा हुआ है सर तैयार कर लेगा। समझ में, यानी जानदार ख़त्म नहीं हो रहा है, हर टूटे हुए हिस्से से नया जानदार तैयार हो रहा है। फॉर यहाँ पर आप देख रहे हैं चिपकली एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उनके जो सेल्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको रीजनरेटिव सेल्स कहते हैं। वो ख़ास तौर पर उनमें सलाहियत होती है कि वो बाकी जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको दोबारा रीजनरेट करें। और हम एग्जांपल देखते हैं, जो जानदार पूरा का पूरा जानदार, ये तो सिर्फ दुम है, अगर टूटती है तो आती है छिपकली में, लेकिन प्लानेरिया ये भी एक समंदरी हैवान है, ये भी एक ऐसा जानदार है जो अगर टुकड़ों में तकसीम हो जाए तो उसका टूटा हुआ हर बॉडी पार्ट नया जानदार तैयार करने की सलाहियत रखता है। यह प्लानेरिया, समझ लीजिए एक्सीडेंटली उसका बॉडी पार्ट तीन हिस्सों में तकसीम हो गया। यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, अब तीन हिस्से हो गए जो जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सर का एक हिस्सा है हेड पार्ट इज़ देयर, मिडल पार्ट इज़ देयर एंड लोअर टेल पार्ट इज़ देयर। सो रीजनरेटिव सेल्स विल रीजनरेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट हेड पार्ट विल रीजनरेट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हियर, है ना, एंड द मिडल पार्ट ये जो है इट विल प्रोड्यूस द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका जो लोअर बॉडी है वो अपर बॉडी को रीजनरेट करती है, और इस तरीके से टूटे हुए तीन हिस्सों से यहाँ पर तीन नए जानदार तैयार होते हैं, है ना, ये अमेजिंग। तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं या अमले तजदीद या बास पैदाइश कहते हैं। नाउ बडिंग, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बडिंग दोनों में भी होता है, इन मल्टी सेलुलर एंड इन यूनिसेलुलर। नाउ बडिंग इन हाइड्रा
repeated division of regenerative cells of the body will form a bud. यानी जो है जैसे आपने ईस्ट में देखा था वैसे ही हाइड्रा में भी होता है. तो यहाँ पर इनमें भी तजदीदी खलियात होते हैं जो मुसलसिल तकसीम होकर जिस्म की दीवार पर बॉडी वॉल के ऊपर एक बड या एक बल्ज उभार पैदा करते हैं जिसको गुंचा या कली कहते हैं, बड कहते हैं. प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द बड ऑकर्स एंड अ स्मॉल हाइड्रा इज फॉर्म. गुंचे की जसामत में इजाफा होता है और एक गुंचे से छोटा सा नया हाइड्रा तैयार होता है. यहाँ पर आप देखेंगे टाइनी बम्प अपीयर्स ऑन द पेरेंट हाइड्रा. यहाँ पर नीचे एक छोटा सा जो है बम्प यानी आपको एक छोटा सा उभार नज़र आएगा. फिर पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स. अब जो पेरेंट हाइड्रा है, ये जो हाइड्रा है जो आपको बड़ा वाला हाइड्रा है उसको पेरेंट हाइड्रा कहेंगे क्योंकि उससे नया जानदार तैयार हो रहा. वो क्या करता है, जो छोटा हाइड्रा है उसको अपने न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड, यानी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है जब तक कि ये खुद अपना गिज़ा हासिल करने के काबिल नहीं हो जाता. तो पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स बड. और यहाँ पर बड का साइज ग्रो होता है और जब बड जो है अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है और वो अपना ख्याल खुद रखता है, इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड लिव इंडिपेंडेंटली. और वो अलग होता है अपने पेरेंट हाइड्रा से और इंडिपेंडेंटली रहता है. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन और बजरों का बनना. स्पोरेंजिया ओवर द फ्लैमेंटस बॉडी बर्स्ट टू रिलीज स्पोर्स. ये जो म्यूकर आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर फपूंद को आते हुए देखा, रुई जैसा जो है वाइट कलर का, ब्लैक कलर की, अलग अलग कलर की फपूंद आती है ना, तो वो रुई की तरह होती है. और देखते देखते अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया, छोटा सा हिस्सा आपको नज़र आया सुबह में, आपने उसको उठाकर नहीं फेंका या अलहदा नहीं किया, तो आप शाम तक देखेंगे कि पूरा का पूरा ब्रेड जो है उस फपूंद से भर जाता है, बहुत तेज़ी से होता है. तो ये जो फपूंद है उसका जो एक रेशा है, उसका जो रेशा है वो इस तरीके से नज़र आता है. ये जो है उसका ये हाइफी कहते हैं, ये जो आड़ी लाइन है, ये जो लाइन है इसको हाइफी कहते हैं, हाइफाई नहीं है, हाइफी. और ये जो है फिलामेंट है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. और इसके ऊपर जो आपको एक बल्ज जैसा स्पोरेंजिया कहलाता है, इसके अंदर छोटे 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 जो है बीजों के जैसे हिस्से हैं, इसको स्पोर्स कहते हैं. समझ में आया? ये जो है राइजोइड्स कहलाते हैं, जड़ों के जैसे हिस्से हैं. अब ये एक फिलामेंट पर जो है, ये एक जो है क्राउन जैसा हिस्सा है, उसके अंदर क्या है, आपको बहुत सारे स्पोर्स नज़र आ रहे हैं. ये स्पोर्स जब ये मैच्योर हो जाता है स्पोरेंजिया, इट बर्स्ट, ये बर्स्ट हो जाता है. बर्स्ट होने से जो स्पोर्स हैं, द स्पोर्स फॉल डाउन ऑन द सरफेस एंड फ्रॉम ईच स्पोर वन म्यूकर फिलामेंट इज फॉर्म. हर स्पोर से एक नया फिलामेंट तैयार होता है. समझ में आया बात? और इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता है. म्यूकर इज अ टाइप ऑफ फंगस. नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या नबाताती अफजाइश नस्ल. अब कुछ नबाता जो डेवलप्स नहीं है, जिनमें फूल और फल नहीं रखते हैं, वो अपने प्लांट के हिस्सों से ही उनमें रिप्रोडक्शन होता है. जैसे आपने देखा होगा कि हम बहुत गुलाब के जो झाड़ होते हैं, हम गुलाब की कलमें लगाते हैं, तो स्टेम है ना, कलम यानी क्या है, स्टेम है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेम. तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के ही मुख्तलिफ हिस्सों से जो है नए नबातात तैयार होते हैं, लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी जड़, तना और पत्तों से. फॉर अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, बाय रूट यानी जड़ों से कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो, यानी ये जो जड़ है ये क्या है, कैरेट, गाजर, मूली और रतालू, स्वीट पोटैटो. बाय लीफ, ब्रायोफाइलम, ग्रास एंड शुगर केन, इनमें जो है पत्तों के ज़रिए से होता है. बाय स्टेम, पोटैटो यानी हम आप देखते हैं घर में भी अगर पोटैटोज यानी आलू रखते हैं तो उसको अखवे फूटते और उससे नबातात निकलता है ना. तो इस तरीके से जड़, तना, पत्ते और कली जैसे नबाताती अज्जा के ज़रिए होने वाली तौलीद नबाताती अफजाइश नसल कहलाती है. अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपको अदरक भी जो है जड़ है, ठीक है, तो उनसे, या आलू क्या है, स्टेम है,
तो यहाँ पर उनके जरिए या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप देखेंगे, आप स्टेम को मिट्टी में लगा देते हैं, कलम लगाते हैं, उससे आता है, ये स्टेम के जरिए है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू यानी स्टेम है, एडवांटेजियस स्टेम जिसको हम कहते हैं, तना उससे क्या हो रहा है, अखवा फूट रहा है और हर अखवे से एक नया पौधा तैयार हो रहा है। यहाँ पर अदरक है, ये एडवांटेजियस रूट है यानी जड़ है, और उससे नया, अगर अदरक को ज़मीन में गाड़ दें तो उससे नया पौधा निकलता है, तो जड़ों के ज़रिए से। यहाँ पर ब्रायोफाइलम एक ख़ास किस्म का, यहाँ पर आप देखेंगे स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो भी रूट ही है और उसी से, उसको ज़मीन में डालने से ही नबातात उगते हैं। ब्रायोफाइलम एक ख़ास किस्म का पत्ता होता है इस तरीके का, उसके जो ये उसके जो आपको हाशिया जो नज़र आ रहा है साइड में, जो उसके कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, वो ख़ास किस्म के होते हैं, उसमें बड लाइक स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे ही वो पत्ते को अगर आप मिट्टी में डाल दें, ब्रायोफाइलम को जो है सर अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पथरी वगैरह के, पान बुट्टी का पौधा कहते हैं उर्दू में, तो गद्दीदार पौधा होता है इस तरीके का, और उसके जो है ये इस तरीके से हर से कॉर्नर पर आपको बड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे और उससे नया पौधा तैयार होगा। तो ये पत्ते के ज़रिए, जड़ के ज़रिए और तने के ज़रिए भी कुछ नबातात में जो है अफजाइश नस्ल होती है, इसलिए उनको नबाताती अफजाइश नस्ल कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस वीडियो के ज़रिए हमारे सबक का पहला हिस्सा यानी गैर जिनसी अमल तौलीद के बारे में हमने जाना, वो एक कलवी और कसीर कलवी जानदारों में किस तरीके का और किस अकसाम का होता है उसके बारे में भी हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है आप सबको ये मेरा समझाया हुआ हिस्सा समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो इस सबक के नेक्स्ट हिस्से को लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम, अस्सलामु अलैकुम।